Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about again division. Okay, आज मैं ये division last class है division की. Okay, ये last है. इसके बाद जो मेरी next class होगी उसमें हम statement sums करेंगे division की. Okay, I hope आज आप सबको clear हो जाएगी. मैंने दो तीन class हो गई मुझे divide करवाते हुए. ठीक है, तीन चार क्लास हो गई तो आज हमारी लास्ट क्लास है डिवाइड की. ओके, हमारा क्वेश्चन है बेटा, आज मैं लॉन्ग टेबल ले दूं थोड़ा सा 85 की. ओके, 9025 डिवाइड बाय 85. ओके, डिवाइड बाय 85, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसे डिवाइड करेंगे. ओके, 9025 डिवाइड बाय 85, डिवाइड बाय 85 को डिवाइड 85 से डिवाइड करवानी है. सबसे पहले 85 की टेबल लिखें. और बेटा मैंने क्या कहा था, अब 85 की किसी को टेबल तो लर्न नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना. तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 की 0 कैरी का 1, 2 8 16 और 1 17 यानी 170. फिर 3 से करेंगे हम, 3 5 15 कैरी का 1, 3 8 24 24 1 + 1 25 यानी 255. ओके, इस तरह हम सारे कंप्लीट टेबल कर लेंगे. ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके आप इस टेबल को कंप्लीट बना लोगे. ये कितने हमारे 255. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 340, 425, 510 एंड 595, 680, 765, 850. ओके, 85 की टेबल डन. अब हम इसे डिवाइड करते हैं, लेकिन 85 जीरो जा जीरो. अब 85 की टेबल में 9 तो आता नहीं, 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट लेंगे या 1 से ले लो. चलो 85 जीरो जा जीरो, माइनस किया 9 का 9, ऊपर से गाड़ी लेकर आया 0, 90. तो क्या इसमें 90 है? नहीं है. 90 से स्मॉल क्या है, 85. और कब है बेटा, 1 से पहले. 85 माइनस करेंगे, 0 में से 5 कट नहीं होता, ये 8 हो जाएगा और ये 10, 10 माइनस 5 5, 8 में से 1 कट 0. अब ये गाड़ी लेकर आएगा 2. ओके, 85 में 52 है? नहीं है, नहीं है ना. तो हम डायरेक्ट हम 0 से भी कर सकते हैं इसे. 85 0 जा 0, माइनस किया तो 2 का 2, 5 का 5, राइट. अब फिर हमारी ये डिजिट आ जाएगी 5, राइट. हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम एक ही पटरी पे अगर हम दो डिजिट लेकर आते हैं. अगर मान लो बेटा, अब ये 52 है, 85 से स्मॉल नंबर है ना, तो हम जब दूसरी गाड़ी एक ही पटरी पर दो गाड़ी आएगी तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0. ओके, जब ये नंबर नहीं जाता, दूसरी डिजिट हम एक ही पटरी पे दो डिजिट गाड़ी से उतरती है, टू नंबर्स एक साथ राइट किए जाते हैं, तो हम यहाँ क्या राइट कर देते हैं, 0. अभी मैंने करके भी बताया था ना, हम 0 से डिवाइड भी कर सकते हैं. ओके, अब 525 क्या है कि 5 की टेबल में है? नहीं. इससे स्मॉल क्या है, 510. 1 2 3 4 5 6 सिक्स पे है, तो यहाँ क्या राइट किया, 6 5 10. माइनस 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 1 1, 5 में से 5 का 0. ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर, क्योंकि और डिजिट तो है नहीं जो नीचे आएगा, राइट. अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, चेक क्या हमारा डिवाइड सही है या फिर रॉन्ग है. तो हमने क्या बताया था, डिवाइजर कितना है हमारा 85, रिमाइंडर कितना है हमारा 15, क्वेश्चन कितना है हमारा 106, और डिविडेंड कितना है हमारा 9025 यानी 9025. चेक करें डिवाइजर को, क्या लिख देंगे शॉर्ट में, डी क्वेश्चन को क्यू और रिमाइंडर को आर. ओके, कितना है डिवाइजर 85, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है हमारा 106 एंड रिमाइंडर कितना है 50, राइट. वही पैटर्न है जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था. इन दोनों को हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई. 106 को 85 से मल्टीप्लाई, 5 से, क्योंकि मल्टीप्लाई का मार्क है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कराई है. ओके,
0 में 3 ऐड किया तो 3, 5 बन सा 5, क्रॉस 8 6 जा 48 कैरी का 4, 8 0 जा 0, 0 प्लस 4, 4, 8 बन जा 8, हम इसे प्लस करेंगे हम, 0, 8 और 3, 12 कैरी का 1, 5 प्लस 4, 9, 9 और 1, 10 की 0, कैरी का 1, 1 प्लस 8, 9, ये हमारी मल्टीप्लाई करने पर आ गया, ओके, ये हमारा प्लस करने पर आया, सॉरी बेटा, 3 और 8 कितना आता है, 1, कैरी का 1, 5 प्लस 4, 9 और 1, 10 की 0, ओके, और 8 प्लस 1, 9, हमारा कितना आ गया, 9010, अब हम इसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, 15 को हमने ऐड कर दिया, ओके, 0 प्लस 5, 5, 1 और 1, 2, 0 का 0, 9 का 9, क्या आंसर आ गया हमारा, 9025, इट मींस ये हमारा, यानी जो डिविडेंड है, सेम है हमारा, ये डिजिट, ये नंबर और ये नंबर सेम है, इट मींस हमारा माइनस राइट है, ओके, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8125 को किससे डिवाइड करवानी है बेटा, 37 से, तो हम 8125 डिवाइड बाय 37, सबसे पहले 37 के टेबल राइट करेंगे, 37 जीरो सा 0, 37 वन सा 37, हम 37 के टेबल को कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके, ओके, हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना जाएगा, 74, 148, 185, 285, 296, 333, 370, ओके, ये हमारी 37 की टेबल राइट हो गई। अब देखो 37 की टेबल में 81 नहीं आता, 81 से स्मॉल कौन सा है बेटा, 74, कब है ये, 2 पे, हम यहाँ सीधा 2 पे 74 राइट करते हैं, ओके, 1 में से 4 कट नहीं होता, ये 7 हो जाएगा, ये 11, 11 माइनस 4 कितना होता है, 6, नहीं 7, 7 होता है ना, 7 में से 7 कट, 0, अब ये गाड़ी लेके आया, 2, 72, क्या इसमें 72 है, नो, तो ये वंजा पे जाएगा, क्योंकि 72 से स्मॉल क्या है, 37, वंजा पे किया हमने 37, 2 में से 7 कट नहीं होगा, ये इससे बोरो लेगा, ये 6 हो जाएंगे, और ये 12, 12 माइनस 7, 5, और 6 माइनस 3, 3, अब ये गाड़ी लेकर आएगा, 5, तो हम ये क्या राइट करेंगे, 5, 355, तो 37 की टेबल में क्या 355 है, नो, इससे स्मॉल क्या है, 332, कब है बेटा ये, 9 जा पे क्या आ जाएगा हमारा, 333, अब क्या करेंगे, माइनस, 5 माइनस 3, 2, 5 माइनस 3, 2, 3 में से 3 का 0, ओके, ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ये है हमारा रिमाइंडर, ओके, टेबल रब कर दो बेटा, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइजर कितना है हमारा, 37, ये हमारा डिवाइजर है ना, और क्वेश्चन कितना है हमारा, 219, रिमाइंडर कितना है, 22, एंड डिविडेंड कितना है बेटा, 8125, ओके, अब हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर कितना है हमारा, 37, क्वेश्चन कितना है, 219, और रिमाइंडर कितना है बेटा, 22, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 219 मल्टीप्लाई बाय 37, 7 9 जा 63, कैरी का 6, 7 बन जा 7, 7 प्लस 6, 13 का 3, कैरी का 1, 7 2 जा 14, 14 और 1, 15, ओके, 7 9 जा 63, कैरी का 6, 7 बन जा 7, 7 प्लस 6, 13, 13 का 3, कैरी का 1, 7 2 जा 14 और 1, 15, ओके, अब 3 9 जा 27, कैरी का 2, 3 1 जा 3 प्लस 2, 5, 3 2 जा 6, क्या कर देंगे, ऐड 3, 7 और 3, 10 की 0, कैरी का 1, 5 और 5, 10, 10 और 1, 11, कैरी का 1, 1 और 6, 7 और 1, 8, ये हमारा प्लस करने पर आ गया, ओके, ये हमारा जो मल्टीप्लाई किया हमने 37 को 219 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा आंसर आया 8103, अब हम इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे,
कितना ऐड हो जाएगा 22, 3 प्लस 2 5, 2 1 8, ये हमारा आंसर आ गया। चेक करो क्या ये आंसर डिविडेंड से मैच कर रहा है। यस 8125, इट मींस हमारी ये डिवाइड जो है बेटा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, राइट। आई होप सबको अब तो क्लियर हो गया होगा, डिवाइड करना आ गया, चेकआउट करना आ गया, चेक करना आ गया ना हमें अपने आंसर का, और हमें टेबल भी बनानी आ गई। कोई भी बिग नंबर बड़े नंबर की टेबल होती है हम उसे मल्टीप्लाई कर कर कंप्लीट टेबल राइट कर लेते हैं, ओके, और फिर अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा, आई होप सबको समझ आ गया। थैंक यू सो मच बेटा।